चुकी है सरोजनी नगर एंड क्यों ना समर कलेक्शन यहाँ पे ट्राई किया जाए कि एग्जैक्टली क्या क्या आया हुआ है। अब देखते हैं एग्जैक्टली, जैसे अभी तो पीक की गर्मी पड़ रही है तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या आया हुआ है। सो इस बारी मेरा फोकस पूरा क्लियर है कि मुझे सिर्फ यही देखना है कि अभी समर अप्रोप्रिएट चीजें क्या क्या आई हैं, लाइक फ्लोरल ड्रेसेस होगी, कट स्लीव टॉप, शॉर्ट स्कर्ट, ये सब कैसे कैसे आए हुए, तो मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगी शॉप नंबर के साथ। सो वीडियो के एंड तक बने रहना एंड बस चलते। सो मैंने एंटर किया था गेट नंबर 2 से। जैसे आप गेट नंबर 2A से एंटर करोगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे पर्स और हैंडबैग्स की शॉप मिल जाएगी, जहाँ पे आपको ऐसे पर्स मिल जाएंगे 200 रुपीज में, जो कि काफी अच्छा प्राइस है, फिक्स प्राइस है। बाकी इनके पास टोट बैग्स भी थे जो कि 300 रुपीज उन्होंने प्राइस रखा हुआ था, फिक्स प्राइस था, बट क्वालिटी वॉज वेरी वेरी नाइस। लाइक इसको मैंने परचेज किया था एंड घर पे आके ऐसा नहीं लग रहा था कि हाय मैं क्या ले आई। तो इस बार सरोजनी में काफी अच्छी वैरायटी आई हुई है, काफी अच्छा स्टॉक आया हुआ है, जो कि आपको वीडियो में आगे चल के पता चल जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बीच में एंड तक जरूर देखना। वीडियो की एंड में मैंने एक शॉप भी शेयर करी है जहाँ पे आपको जारा, H&M सारे बड़े बड़े ब्रांड्स के ड्यूब्स मिल जाएंगे और उनके प्राइजेस लाइक द स्टार्टिंग रेंज वॉज 200 रुपीज एंड मैक्सिमम उनका प्राइस रेंज था 800। बार्गेनिंग करा के आप 500 रुपीज में जारा की ड्यूब्स की ड्रेसेस परचेज कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहना। ऐसे कुछ क्लचेस वगैरह की शॉपिंग बहुत ज्यादा थी पूरी सरोजनी में, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अभी मैं सरोजनी में कितना घूम रही हूँ, शॉपिंग कर रही हूँ। तो मैंने ऑलरेडी अपनी जो स्किन है वो अच्छे से प्रेप करके गई थी मैं घर से। सो आई हैव अप्लाइड दिस, लाइक मैंने फेस वॉश किया है इस फेस वॉश से फ्रॉम मामाअर्थ एंड उसके बाद आई हैव अप्लाइड दिस मामाअर्थ डुई सनस्क्रीन। सिंस अभी गर्मी इतनी पड़ रही है, इतनी धूप है, तो सनस्क्रीन लगाना तो इट्स वेरी वेरी मस्ट। एंड इसमें SPF 50 PA++ है, राइस वाटर एंड नायासिनमाइड्स है इसमें एंड इट्स वेरी वेरी गुड। This is a Mammoth Rice Face Wash. It clarifies the skin and stimulates collagen protection, resulting in glass-like skin. It helps remove the dead skin cells and minimizes open pores, unveiling fresher and healthier skin. Look at the skin, like it feels so refreshing. Next, इसके बाद मैंने apply किया था this Mammoth Rice Water Dewy Sunscreen, which has SPF 50 PA++ protection. It's non-greasy, it's easily blendable and leaves no white cast at all. Every time you buy from Mammoth, they link your order on the website to a tree that they plant. 2025, Mammoth is aiming to plant 1 million trees. As you know, Mammoth products are available on Nykaa, Amazon, Flipkart, but they're also available in stores near you. So I'll mention the links in the description box. Plus, you can also use my coupon code, which is mentioned here on the screen, to get additional 20% discount. So the next shop is this 194, जहाँ पे उसके बाहर बहने रेडी लगा रखी थी, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की स्पेगेटीज मिल जाएंगी। उसके अपोजिट लाइक 194 शॉप नंबर के बिल्कुल अपोजिट आपको ये कुर्तीज़ वगैरह की रेडी दिखेगी, जहाँ पे आपको 250 रुपीज़ में कुर्तीज़ मिल जाएगी, चिकनकारी कुर्तीज़ मिल जाएंगी। प्लाजोज थे 200 रुपीज़ का फिक्स प्राइस था, पर 200 रुपीज़ के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था बिकॉज क्वालिटी बहुत ज़्यादा फाइन थी। उसकी नेक्स्ट भैया ने रेडी लगा रखी थी कुर्ता सेट्स की, जो कि आपको 300 रुपीज़ में मिल जाएंगे। एंड इसमें से मैंने एक कुर्ता सेट अपनी मम्मी के लिए परचेज किया था एंड लाइक मुझे ये वीडियो लाइक मैंने शूट करी थी 10 डेज पहले एंड 10 डेज में उन्होंने एक या दो बार ही उसको वॉश भी कर लिया है एंड उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है, जैसा परचेज किया था वैसा का वैसा ही है। एंड उससे नेक्स्ट ये मैंने रेडी लगा रखी थी, यहाँ पे आपको मेंस के H&M के ड्यूब्स मिल जाएंगे, जो कि H&M पे अगर खरीदने जाओगे तो आपको 1300 के मिलेंगे, बट यहाँ पर उन्होंने लगा रखी थी जस्ट 250 रुपीज़ की रेडी। देन उसके बाद ये 250 रुपीज़ वाली रेडी थी, जहाँ पे टॉप्स काफ़ी ज़्यादा सुंदर थे, लाइक ये वाला टॉप जो था वाइट कलर का टॉप, ये 250 रुपीज़ का था एंड मतलब ऑब्वियसली इस पर तो बार्गेनिंग नहीं हो सकती, तो मैंने 250 रुपीज़ का ही परचेज़ किया था। मैंने उसके बाद ये नेक्स्ट रेडी थी, जहाँ पे आपको ये डेंटी ज्वेलरीज मिल जाएंगी 50 रुपीज़ में, जस्ट 50 रुपीज़ एंड लाइक कोई भी पिक कर लो 50 रुपीज़ का। ये ऊपर वाला जो सेक्शन था जिसमें हैवी ज्वेलरीज थी, ये पार्टी वेयर ज्वेलरी फेयरवेल के लिए, अगर आपके घर में किसी का फंक्शन वगैरह तो ऐसी ज्वेलरी अच्छे से चल जाती है साड़ी सूट्स पे, ये 100 रुपीज़ का दे रहे थे। एंड उसके बाद लाइक जैसे आपने गेट नंबर 2A से एंटर किया, सीधे सीधे चलोगे फिर आपको ना ये लाइन दिखेगी जहाँ पे आपको इनर वेयर सारी, इसमें ना इनर वेयर काफ़ी ज़्यादा सुंदर मिल जाते हैं, ऐसे कुछ पर्स यूनिक पर्स मिल जाएंगे आपको, कैप्स मिल जाएंगी और काफ़ी कम रेट में मिलती है। तो इस लेन में अगर आपको इनर वेयर लेना हो, ऐसी कुछ चीज़ें लेनी हो कैप्स वगैरह सामर्स की, तो आप डेफिनेटली इस लेन को ज़रूर चेक कर लेना। दैन इस लेन से जैसे मैं बाहर निकली ना, तो ये इंसेंस वाली लेन आ गई है, जहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ये वाइट कलर की शर्ट वाली रेडी दिखेगी, जो कि 80 रुपीज़ में ये शर्ट सेल कर रहे थे। आई लव दिस शर्ट गाइज, लाइक इसका जो डिटेलिंग दे रखी थी कॉलर पर वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। देन ये शॉप जो है
इस पे आपको समर ड्रेसेस मिल जाएंगी, लॉन्ग ड्रेसेस मिल जाएंगी एंड इनके प्राइजेस 300 रुपीज़। मतलब मैंने लाइक वो कोट थोक ज़्यादा कर रहे थे 500-550, बट मैंने बार्गेनिंग करा के 300 रुपीज़ में उसको परचेज किया था। एंड देन उसके बाद ये शॉप थी जहाँ पे आपको ज़ारा, H&M, हर ब्रांड के, हर बड़े बड़े ब्रांड के आपको ड्यूप्स मिल जाएंगे। बट इस शॉप पर ऐसा था कि वेराइटी जो थी वो अच्छी थी बट कम थी, मतलब स्टॉक जो था वो इतना नहीं था, साइजेस इतने नहीं थे। बट यस, इसके बाद घर जाते जाते ना मुझे एक शॉप और देखी थी एंड ट्रस्ट मी गाइस, उस शॉप का तो लाइक द वैरायटी, द क्वालिटी, साइजेस सब कुछ उनके पास अच्छी नंबर में अवेलेबल थे। देन दिस इज शॉप नंबर 56 जहाँ पे आपको बॉटम वेयर बहुत ज़्यादा अच्छे मिल जाएंगे, टी शर्ट्स बहुत अच्छी मिल जाएंगी, जैसे ये ब्लैक टी शर्ट थी एंड इस तरीके की ड्रेसेस, नाइट सूट्स इन फैक्ट काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे एंड इनके प्राइजेस भी जेन्युइन थे, ज़्यादा हाई फाई नहीं थे। देन उसके बाद सेम यही जो शॉप नंबर 56 थी उसके नेक्स्ट शॉप आई गेस शॉप नंबर 58 थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। उसके बाद ये भैया रेडी लगा रहे थे जहाँ पे 100 रुपीज़ की शर्ट सेल कर रहे थे, ओवर साइज शर्ट। एंड इनकी लाइक ऑब्वियसली आपको ढूंढना पड़ेगा अगर रेडी है 100 रुपये वाली तो, बट अगर ढूंढोगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाली शर्ट थी, इसको मैंने परचेज किया था, स्टार्टिंग मुझे थोड़ा डाउट था कि पता नहीं स्लीव्स आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, बट ये घर पर जब मैं इसको लेकर आई थी तो बहुत अच्छी सी स्लीव्स आ रही थी। ऑल्सो इस शॉप पे जैसे मैंने देखा था कि बेल्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, इस तरीके की जो बेल्ट है वो आजकल चल रही है, इसको आप ड्रेसेस के साथ पेयर अप कर सकते हो, बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस वो बेल्ट्स थी। एंड की रेंज भी ऐसा था लाइक 200 से स्टार्टिंग था एंड 500 तक था मैक्सिमम। ऑल्सो उसके नेक्स्ट ही मुझे ये शॉप दिखी थी जहाँ पे आपको काफ़ी सुंदर सुंदर टॉप्स मिल जाएंगे एंड देर आर ऑल्सो ड्यूप ऑफ सम ब्रांड्स लाइक CK का, आई डोंट नो लाइक, बट ठीक है क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी एंड इनका प्राइस वो कोट करे थे 300 रुपीज़ ओनली, मतलब बार्गेनिंग के बाद 300 रुपीज़ का ही आपको दे देंगे। एंड ऐसे कुछ ड्रेसेस थी, समर ड्रेसेस, लॉन्ग ड्रेसेस, काफ्टन ड्रेसेस जो कि आजकल काफ़ी ज़्यादा इन हैं, ट्रेंड में हैं। ये वाइट कलर की ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगी थी। उसके बाद मैं थोड़ी सी आगे बढ़ी थी तो यहाँ पे ऐसे ना ओपन्स एंड क्लचेस वगैरह मिल रहे थे जिसके लाइक फिक्स प्राइस था इसका भी 50 रुपीज़। ऐसे जो क्लचर्स और पिन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं सामोस में। देन उसके अपोजिट ही भी रेडी लगा रहे थे जहाँ पे कितने सुंदर आप देख सकते हो, कितने सुंदर सुंदर ईयरिंग्स मिल रहे थे और इसका फिक्स प्राइस था 50 और 100, मतलब नीचे वाला 50 का था ऊपर वाला 100 का था। देन दिस इज शॉप नंबर 64 जहाँ पे अगेन आपको काफ़ी सुंदर सुंदर ट्राउजर्स मिल जाएंगी, स्कर्ट्स मिल जाएंगी, जीन्स मिल जाएंगे, बॉटम वेयर काफ़ी ज़्यादा सुंदर था एंड इसका प्राइस वो लाइक कुछ 500 और 600 800 में आपको ये जीन्स दे देंगे डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड द कलर। ऑल्सो उसके बाद ये नेक्स्ट ये शॉप थी डेनिजन करके, वहाँ पे एक शॉप है उसके बाहर भी ये रेडी लगा रखी थी जहाँ पे काफ़ी सुंदर आपको टॉप्स मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट ही ये शॉप जहाँ पे आपको स्कर्ट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिल जाएंगी, इसका वो कोट कर रहे थे 300 रुपीज़, अगेन आप बार्गेनिंग करा सकते हो। देन इसमें स्कर्ट काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा फाइन थी, इसमें से मैंने एक स्कर्ट खरीदी थी, उन्होंने मुझे दी थी वो 200 रुपीज़ में, इतनी बार्गेनिंग मैंने नहीं कराई थी बट हाँ 200 रुपीज़ के हिसाब से वर्थ इट है डेफिनेटली। इस शॉप का जो शॉप नंबर है मुझे नहीं याद, मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी। देन इसके बाद थोड़ी सी आप आगे बढ़ोगे तो अगेन आपको बॉटम वेयर के काफ़ी डिज़ाइन एंड काफ़ी कलर्स मिल जाएंगे, यहाँ पे ड्रेसेस आपको मिल जाएंगी। सो बेसिकली इस बार सामोज में सामो ड्रेसेस प्लस बॉटम वेयर काफ़ी सुंदर आया हुआ है, ब्यूटीफुल कलर्स में आया हुआ है, समर अप्रोप्रिएट है। देन उसके बाद दिस इज द शॉप नंबर, अगेन मुझे नहीं याद, लाइक दिस इज द शॉप नंबर 174। सो इस पे 150 रुपीज़ की स्कर्ट्स थे, फिक्स प्राइस था 150 रुपीज़ एंड इन पे काफ़ी वेराइटी थी स्कर्ट्स की, क्वालिटी भी अच्छी थी, अब ढूंढने में आपको काफ़ी अच्छी स्कर्ट्स भी मिल सकती हैं। इसके बाद ही लाइक इसके पीछे ये शॉप थी जहाँ पे इन्होंने ट्राउजर्स वगैरह भी लगा रखे थे एंड ट्राउजर्स की वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, ट्राउजर्स स्कर्ट्स ये सब तो बहुत ही आए हुए हैं इस बार सरोजनी नगर में एंड कम कम रेट में आए हुए हैं। जैसे कि मैं ये ब्लैक स्कर्ट देख रही थी, ये 150 वाली रेडी में थी एंड बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, इसकी फिटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है जैसे कि मैंने इसको परचेज किया है। देन द नेक्स्ट शॉप इज दिस 152 जहाँ पे अगेन बॉटम वेयर आप देख सकते हो, वो ग्रीन वाला ऐसे कुछ स्कर्ट्स आपको मिल जाएंगी लेदर में, लाइक ये कितनी महंगी महंगी आती हैं, ये बस दे रहे थे 300 रुपीज़ में। देन उसके बाद ऐसे आपको समर ड्रेसेस मिल जाएंगी ब्लैक कलर में, वाइट कलर में, ग्रीन कलर में, नियॉन कलर में, सारे कलर्स इसमें अवेलेबल थे, ब्राउन कलर अवेलेबल था, ऐसे फ्लावर प्रिंट्स वाले जो कि समर अप्रोप्रिएट हैं। नेक्स्ट इज दिस शॉप विच इज 179 जहाँ पे आपको स्कर्ट्स मिल जाएंगी, पार्टी वेयर, कैजुअल वेयर के लिए स्कर्ट्स मिल जाएंगी, डिफरेंट डिफरेंट कलर में मिल जाएंगी, ट्राउजर्स आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिल जाएंगे, ब्लू कलर में, ब्लैक, पिंक, रेड, ग्रे, ग्रीन,
लाइक जो भी आप कलर मांगोगे ना वो सारे कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिनका प्राइस एक कोट करते हैं 500 रुपीज। अगेन आप बार्गेनिंग करा सकते हो बिकॉज मैंने इसको खरीदा था 300 रुपीज में, इसकी फिटिंग इतनी ज्यादा सुंदर आई थी। नेक्स्ट इज दिस लाइक रेडी थी नेक्स्ट टू इंसेंस के नेक्स्ट थी बिल्कुल, जहाँ पे आपको इतनी सुंदर सुंदर ट्राउजर्स मिल जाएंगे, टॉप्स मिल जाएंगे। देन उसके ही नेक्स्ट ये शॉप थे जहाँ पे आपको समर ड्रेसेस मिल जाएंगे। सो ऐसी समर ड्रेसेस जो है तो पूरी सरोजनी में आपको कहीं भी मिल जाएगी 300 रुपीज की। नेक्स्ट शॉप इज दिस 191, जहाँ पे आपको अगेन ज़ारा के थोड़े बहुत टू ड्यूब्स मिल जाएंगे, बट इसके बाद जो मैं आपको शॉप दिखाऊंगी नेक्स्ट उस पर आपको प्रॉपर ज़ारा के ड्यूब्स एंड H&M के ड्यूब्स मिलेंगे। देन ये टॉप्स थी जिसकी प्राइस उन्होंने शायद 200 या 250 की रेडी थी ये। देन ये ज़ारा का ड्यूब था पिंक कलर का, आप यहाँ सामने देख सकते हो, इसका प्राइस वो कोट करते 200 रुपीज़, फिक्स प्राइस वाली शॉप थी, बट फिर भी ये बार्गेनिंग का थोड़ा स्कोप था इनके यहाँ, तो 200 की अगर वो टॉप बोल रहे हैं तो 150 की ले सकते हो। देन बॉडी सूट्स वगैरह यहाँ पे थे 200 रुपीज़ के, जीन्स ये 400 रुपीज़ का कोट कर रहे थे, 300 रुपीज़ में आराम से दे देंगे। सुनाओ द नेक्स्ट इज दिस शॉप एंड ये है H&M और ज़ारा वाली ड्यूपली शॉप, एंड इनके पास वैरायटी काफ़ी सुंदर थी। इस शॉप का लिंक, इस शॉप का डिटेल मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। उसके पास इनके पास वैरायटी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन जो ब्राउन टॉप थी दिस टॉप हैज़ माई हार्ट एंड मैंने ये खरीदा है कुछ 300 रुपीज़ में। नियॉन कलर में, पिंक कलर में, ग्रीन कलर में, सारे कलर में आपको ड्रेसेस मिल जाएंगी। एक दिस ब्राउन कलर तो मतलब ये तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, इसको मैंने देखा तो मुझे ना स्कर्ट पे, जैसे मैंने जो ड्रेस पहनी थी उस पर तो थोड़ा ऐसे बहुत शॉर्ट लग रहा था, बट जब मैंने घर पर आके इसको ब्लैक जीन्स के साथ पैरअप किया था तो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था। देन मैं अंदर मैंने इसे थोड़ा बहुत एक्सप्लोर किया, यहाँ पे ट्राउजर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, नाइट सूट्स भी थे इनके पास लाइक अलग अलग कलर में, अलग अलग स्टाइल में, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक था भाई इसके लिए इस शॉप पे, तो आप इस शॉप को तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट उससे ही यू नो जो शॉप थी ज़ारा ड्यूब्स वाली थी उसके ही नेक्स्ट ये शॉप थी, यहाँ पे आपको टी शर्ट्स, टॉप, शर्ट्स, ट्राउजर्स, हर तरीके की चीज़ मिल जाएगी। इनके पास भी वैरायटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, एंड बस ना थोड़ा बहुत टाइम ना ज़्यादा होने लग गया था, एंड तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, लाइक 5:30 के बाद बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ जाती है सरोजनी में, तो आप ध्यान रखना कि अगर आपको जाना हो तो या तो आप जल्दी चले जाओ सुबह 10 बजे। गाइस यही थी पूरी वीडियो, अगर आपको हॉल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, एंड अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस, लव यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।